हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बढ़िया एकदम ऑथेंटिक केक की रेसिपी। यह केक बहुत ही आसानी से बिस्किट से बन जाते हैं और यह बाजार वाले केक से बहुत ही हेल्दी होते हैं। अगर आपके बच्चे जिद कर रहे हैं केक खाने के लिए तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस केक को बना लेंगे और यह केक बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इस आसान से केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बिस्किट लिए हैं जिसमें डार्क फैंटेसी मैंने लिया है। आप अपने पसंद के कोई भी चॉकलेट वाली क्रीम बिस्किट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टोटल 3 पैकेट बिस्किट लिए हैं। पीसेस में यह 18 बिस्किट हैं। मैं थोड़ा बड़े साइज की बना रही हूँ, आप चाहें तो एक पैकेट बिस्किट से भी इसे बना सकते हैं। अब इसका क्रीम अलग नहीं करेंगे, मैं क्रीम के साथ ही इसे ग्राइंड करूँगी। तो देखिए, इसे मिक्सर के जार में तोड़कर डाल दें। इसके साथ ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी और इसका ढक्कन बंद करके इसे पीस लेंगे। इसमें दूध और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे सूखा ही पीसें। और देखिए, ये मैंने इसे पीस लिया है, तो इसे बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स करेंगे। तो दूध को पहले उबाल ले, फिर उसे रूम टेम्परेचर पर कर ले, उसके बाद ही ऐड करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो एक साथ ज़्यादा दूध ना डाले, थोड़ा थोड़ा डाले और इसे मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पे यह अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखिए, बैटर रिबन फॉर्म में होना चाहिए और इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है, लग रहा है ना एकदम चॉकलेटी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इनो। इसके जगह पे आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इनो को डायरेक्ट बैटर में मिक्स नहीं करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल दें और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इनो डालने के बाद तुरंत इसे बेक करेंगे। 3 पैकेट बिस्किट के लिए 1 कप दूध लगे हैं। अब केक टिन को बटर से ग्रीस कर लेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं। और इसके बाद मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है, इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। इसे भी ग्रीस कर लेंगे, इसके बाद बैटर को डाल देंगे। अब बैटर को अच्छे से सेट कर लेंगे और अब चलते हैं गैस के तरफ। तो गैस पे मैंने एक तवा प्री हीट किया है, इसके ऊपर स्टेन रख दें। अगर स्टेन नहीं है तो कोई भी कटोरी या प्लेट आप रख सकते हैं। डायरेक्ट केक टिन को तवे पे ना रखें, नहीं तो केक खराब बन जाते हैं। अब इसे अच्छे से भगोने से कवर कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए पकने दें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 30 मिनट हो गए हैं, मैं इसे नाइफ से चेक कर रही हूँ। आप टूथपिक या नाइफ से चेक कीजिए, नाइफ सूखा निकल रहा है, इसका मतलब केक अच्छे से सेट हुए हैं। तो यह बहुत ही गर्म है, इसे सावधानी से निकालें और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने दें। जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब केक को निकालेंगे, इससे केक टूटेंगे नहीं, वह बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे। तो देखिए, इस तरह केक को निकाल लिया मैंने और यहाँ पे बेकिंग पेपर को भी हटा देंगे। देखिए केक कितने अच्छे से बने हैं और बहुत ही फ्लफी भी हैं। अब केक को मैंने सीधा कर लिया है और इसे कट कर लेंगे। इसे बनाने में कम मेहनत है और कम खर्च में यह केक बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने कभी इस तरह का केक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसमें कितने सारे जालियाँ आए हैं। जितना यह देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतना ही स्वादिष्ट। तो मैं आपको फिर से कट करके दिखाती हूँ। मैं इसे बहुत टाइम से बनाती आ रही हूँ, मेरे बच्चे जब भी केक खाने को बोलते हैं तो मैं यही बनाती हूँ, फटाफट बन भी जाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देखकर समझ में आ रहे होंगे कि यह केक कितना स्पॉन्जी और फ्लफी हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।